नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्टडी जॉब एंड एनालिसिस में। आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिकल हैंड टूल्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री या प्लांट में यदि आप वर्क करते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़ा है, उसमें टूल्स की पर्याप्त जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इलेक्ट्रिकल हैंड टूल्स में बहुत सारे टूल्स हैं, तो आपको समझने में आसानी हो इसलिए हमने इसे कुछ अलग अलग भागों में क्लासिफाइड कर दिया है, जैसे ड्राइविंग टूल्स, स्ट्राइकिंग टूल्स, स्प्लिसिंग, कटिंग एंड होल्डिंग टूल्स, मेजरिंग टूल्स एंड लास्ट सोल्डरिंग टूल्स। ये सभी टूल्स के क्लासिफिकेशन हैं। इनमें एकक हेडिंग में बहुत सारे टूल्स हैं, उन सभी टूल्स के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ड्राइविंग टूल्स। ड्राइविंग टूल्स की बात करें तो वो सभी टूल्स जिसे हम हाथ से पकड़कर ड्राइव या मूव करते हैं, वे सभी टूल्स ड्राइविंग टूल्स के अंतर्गत आते हैं। ड्राइविंग टूल्स में सबसे पहले नंबर पर है स्क्रू ड्राइवर, जिसे कि हम मोड़ने, टाइट करने या फिर स्क्रू को खोलने या बंद करने में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। इस टाइप के स्क्रू ड्राइवर का टिप क्रॉस टाइप होता है, जो कि पॉजिटिव सिंबल जैसा दिखता है। अगला है एलन स्क्रू ड्राइवर या रिंच, इसे एलन स्क्रू ड्राइवर या एलन की भी कहते हैं। इसमें एलन स्क्रू या एलन रिंच दोनों आते हैं। टॉर्क्स स्क्रू ड्राइवर, इसका उपयोग टॉर्क्स स्क्रू को कसने या खोलने के लिए किया जाता है। यह देखने में स्टार शेप जैसा दिखता है। नेक्स्ट है इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर। ये स्क्रू ड्राइवर पूरा इंसुलेटेड होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रोटेक्ट करता है और इलेक्ट्रिकल वर्क को करने में सहायता प्रदान करता है। ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, इस स्क्रू ड्राइवर में एक मोड़ा हुआ एंगल्ड शाफ्ट होता है, जिसे किसी तंग जगह पर स्क्रू खोलने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मल्टी बिट स्क्रू ड्राइवर, इसमें कई प्रकार के स्क्रू ड्राइवर के बिट रहते हैं, जिसे आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं और इंटरचेंज करके प्रयोग कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन में हमारा सेकेंड टाइप है स्ट्राइकिंग टूल्स। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे टूल्स जिनसे हम किसी इक्विपमेंट पर स्ट्राइक करते हैं, यानी कि प्रहार करते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले टूल्स हैं हैमर। हैमर, जिसे हम लोग हथौड़ा भी कहते हैं, बहुत ही कॉमन टूल। इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में भी इसका बहुत प्रयोग करते हैं। सेकंड है रबर मैलेट। इस हैमर का हेड रबर का होता है, जो कि नाजुक सतहों पर कम डैमेज करता है। इसका उपयोग सामान्यतः इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को धीरे धीरे बैठाने के लिए करते हैं। बाल पिन हैमर, इस प्रकार के हथौड़े में स्ट्राइकिंग फेस के अपोजिट में राउंडेड या बॉल के शेप में पिन बना होता है, जो कि किसी मेटल कंपोनेंट को शेपिंग या बेंडिंग करने के काम आता है। डेड ब्लो हैमर, डेड ब्लो हैमर में रिबाउंड को कम करने और क्षति को रोकने के लिए शॉर्ट या सांड से भरा हुआ एक हॉलो हेड होता है। इसका उपयोग वहां किया जाता है जहां पर बहुत ही बारीकी और नियंत्रण के साथ हैमरिंग करना होता है। चीजल, जिसे हम छेनी भी कहते हैं, इसका उपयोग हैमर के साथ करके किसी मटेरियल को कटिंग या शेपिंग करने के लिए या मोटे वायर को भी काटने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हमारा अगला टूल है पंच सेट। पंच का उपयोग केबल एंट्री पॉइंट्स को समायोजित करने या पैनल में मार्क करने या छेद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पिंच बार, पिंच बार एक लीवर है, जो कि इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में भी भारी सामानों को उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्क्रू ड्राइवर विथ स्ट्राइकिंग कैप, कुछ स्क्रू ड्राइवर के हैंडल के अंत में एक स्ट्राइकिंग कैप लगा होता है, जिसे कि उस पर हम डायरेक्ट हैमरिंग कर सकते हैं और हैमरिंग करके किसी भी कंपोनेंट पर उपयोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में यूज होने वाले स्ट्राइकिंग टूल्स थे। अब हम नेक्स्ट टूल टाइप्स में देखते हैं स्प्लिसिंग, कटिंग एंड होल्डिंग टूल्स। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स, वायर और केबल के बीच सुरक्षित कनेक्शन बनाने के लिए स्प्लिसिंग टूल्स का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा हम वायर के जोड़ को अच्छे तरीके से बना पाते हैं। उनमें से पहले नंबर पर है वायर स्ट्रिपर। वायर स्ट्रिपर का प्रयोग तारों के सिरों से इंसुलेशन को हटाने के लिए किया जाता है। इंसुलेशन को हटाकर नए उपयोग के लिए या तार के ज्वाइंट के लिए ऐसा करना हेल्पफुल होता है। क्रिम्पिंग टूल्स, इस टूल का उपयोग वायर और टर्मिनल के बीच सिक्योर कनेक्शन बनाने के लिए किया जाता है। इसमें तार के कटे हुए सिरे पर एक मेटल टर्मिनल को क्रिम्पिंग टूल्स के मदद से कंप्रेस करते हैं। ये टूल्स हाइड्रोलिक ऑपरेटेड भी होते हैं। हीट श्रिंक ट्यूबिंग एंड हीट गन, वायर के स्प्लिसिंग के बाद कनेक्शन को इंसुलेट और सिक्योर करने के लिए हीट श्रिंक ट्यूबिंग का उपयोग किया जाता है। यह देखने में छोटा होता है, लेकिन बहुत ही पावरफुल इक्विपमेंट होता है, जो कि 650 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हवा की धारा को उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट है वायर नट या ट्विस्ट ऑन कनेक्टर।
इसका उपयोग हम कई तारों को एक साथ जोड़ने के लिए करते हैं। वायर नट या ट्विस्ट ऑन कनेक्टर में एक थ्रेडेड डिज़ाइन होता है जो कि वायर पर स्क्रू करता है और उन्हें एक साथ सिक्योर करके कनेक्शन को इंसुलेट करता है। केबल लग क्रिम्पर, केबल लग क्रिम्पर्स का उपयोग हैवी ड्यूटी केबल के सिरों पर केबल लग्स या कनेक्टर्स को जोड़ने के लिए किया जाता है और ये लग्स टर्मिनलों या किसी इक्विपमेंट से जुड़े हुए होते हैं। स्प्लिसिंग टेप, यह टेप इंसुलेटेड टेप होता है जिसका उपयोग स्लिप्ड कनेक्शन को लपेटने और इंसुलेट करने के लिए किया जाता है। केबल स्प्लिसिंग किट, इस किट का उपयोग दो केबल के बीच कनेक्शन के लिए किया जाता है और दो अलग अलग केबल से एक केबल बनाने के लिए भी करते हैं। स्प्लिसिंग टूल देखने के बाद अब हम कटिंग टूल की बात करें तो वायर कटर, जिसे कि डायगोनल प्लायर भी कहते हैं, इसका उपयोग वायर को सफाई से काटने या ट्रिम करने के लिए प्रयोग करते हैं। केबल कटर, केबल कटर को बड़े और मोटे केबल्स और वायर को काटने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। हेक्सा, हेक्सा एक काटने का ही उपकरण है जिसका उपयोग थ्रेडेड रॉड, वायर या अन्य मेटालिक कंपोनेंट को काटने के लिए उपयोग में लाते हैं। वायर रोप कटर, वायर रोप कटर का उपयोग केबल या वायर को काटने के लिए किया जाता है, ये आमतौर पर हैवी इक्विपमेंट में अप्लाई करते हैं। उसी तरह अगर हम होल्डिंग टूल्स की बात करें तो उसमें है प्लायर, प्लायर जो कि कई प्रकार के आते हैं, इसका उपयोग तार को पकड़ने, मोड़ने और काटने के लिए किया जाता है। नीडल नोज प्लायर, इस टाइप के प्लायर में लंबे और नुकीले जबड़े होते हैं जो थोड़े तंग जगहों पर पहुंचने और वायर को मोड़ने का काम करते हैं। लाइनमैन प्लायर, ये प्लायर जिसे कि हम कॉम्बिनेशन प्लायर के नाम से भी जानते हैं, इसमें कटिंग एज बने होते हैं, इसे भी बिजली के तारों को पकड़ने या काटने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला है विज ग्रिप प्लायर, विज ग्रिप प्लायर में लॉकिंग जबड़े होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट को सुरक्षित रूप से पकड़ते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क्स के दौरान पकड़ने और क्लैंपिंग करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। फिश टैप, फिश टैप जिसका उपयोग मुख्य रूप से कंड्यूट्स के माध्यम से वायर्स को खींचने के लिए किया जाता है। वायर एंड केबल रील डिस्पेंसर, डिस्पेंसर का उपयोग तार या केबल के स्पूल को पकड़ने और अनरोल करने के लिए करते हैं, इसकी सहायता से वायर आपस में उलझते नहीं हैं। अब इस वीडियो का जो कि इलेक्ट्रिकल टूल्स के नाम से है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है जो कि है मेजरिंग टूल्स। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिक सिस्टम के सिक्योरिटी और वर्क एफिशिएंसी को सुनिश्चित करने और सटीक मेजरमेंट के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट मेजरिंग टूल्स के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर एक ऐसा उपकरण है जो वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी सहित इलेक्ट्रिकल के कई सारे प्रॉपर्टीज को मेजर करता है। यह इलेक्ट्रिकल सर्किट वेरीफाई करने और उसमें ट्रेबल शूटिंग को कम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है ऑसिलोस्कोप, ये टाइम के साथ वोल्टेज सिग्नल्स को वेव के रूप में डिस्प्ले करता है, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डिबगिंग और एनालाइज करने में किया जाता है। क्लैंप मीटर, एक क्लैंप मीटर बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के कंडक्टर के चारों ओर क्लैंपिंग करके करंट को मेजर करता है, ये लाइव सर्किट में एसी करंट को सुरक्षित रूप से मापने के लिए उपयोगी है, इसमें डिजिटल क्लैंप मीटर भी आते हैं। एनालॉग वोल्ट मीटर एंड अमीटर, एनालॉग मीटर वोल्टेज और करंट के लिए लगातार एनालॉग रीडिंग प्रदान करता है, हालांकि अब के टाइम में इसका यूज बहुत ही स्पेसिफिक टास्क के लिए ही करते हैं। पावर मीटर या वाट मीटर, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी के कंजप्शन को वाट में मेजर करता है, जो कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एनर्जी को यूज़ और एफिशिएंसी को मॉनिटर करने में आसान बनाता है। रेसिस्टेंट मीटर या ओम मीटर, एक ओम मीटर किसी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में रेसिस्टेंट को मेजर करता है, यदि पैरेलल ओम मीटर है तो इंस्ट्रूमेंट में रेजिस्टेंस बढ़ने पर ज़्यादा करेंट लेगा, ये ओम मीटर के द्वारा मापा जा सकता है। वोल्टेज टेस्टर, यह एक नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज टेस्टर होता है जो कि बिना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए सर्किट में वोल्टेज की उपस्थिति को दर्शाता है, यानी कि चेक करता है कि सर्किट में वोल्टेज है, करंट है या नहीं है। इंसुलेट रेसिस्टेंस टेस्टर, जिसे हम मेगर भी कहते हैं, एक मेगर इलेक्ट्रिक वायर और उसके कंपोनेंट के इंसुलेशन रेसिस्टेंस को मेजर करता है, इसका उपयोग इंसुलेशन इशू को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं ताकि बाद में कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट ना हो। फ्रीक्वेंसी काउंटर, यह इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है, जो कि ऑसिलेटर और सिग्नल जनरेटर के परफॉर्मेंस को समझाने के लिए या समझने के लिए आवश्यक है। LCR मीटर, यह कैपेसिटर, इंडक्टर्स और रेसिस्टर्स जैसे निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के वैल्यू को मेजर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। टेम्परेचर प्रोब या थर्मोकपल,
इसका उपयोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम में टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए किया जाता है, जिससे ओवरहीटिंग जैसे इशू को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलता है। करंट ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, सीटी या पीटी, ये दोनों मेजरिंग डिवाइस हैं। सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर मेजरमेंट पर्पस के लिए करंट सिग्नल को कम कर देता है, जबकि एक पीटी हाई वोल्टेज वैल्यू को कम कर देता है। ये सीटी एंड पीटी यह मापने के लिए डिज़ाइन है कि पावर सिस्टम एक्यूरेट और सेफ दोनों है या नहीं। आईआर, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, आईआर थर्मामीटर बिना कांटेक्ट में आए टेम्परेचर को मेजर करते हैं। इसकी विशेषता यह है कि यह किसी वस्तु की सतह पर आने वाली ऊर्जा या रेडिएशन का पता लगाने और मेजर करने के लिए उस पर इंफ्रारेड लाइट को फोकस करता है। इसके बाद डिटेक्टर उसे टेम्परेचर रीडिंग में कन्वर्ट करके शो करता है डिस्प्ले पर। इलेक्ट्रिकल टूल्स के क्लासिफिकेशन में हमारा नेक्स्ट टाइप है सोल्डरिंग टूल्स। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सोल्डरिंग एक सामान्य प्रक्रिया है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और वायर को जोड़ने के लिए किया जाता है। सोल्डरिंग टूल्स में सबसे पहला जो टूल्स है वो है सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन सोल्डर को गर्म करने और इलेक्ट्रिक कनेक्शन बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला प्राइमरी इक्विपमेंट है। ये वाट कैपेसिटी के अनुसार कई प्रकार के अलग अलग टाइप में आते हैं। नेक्स्ट है सोल्डरिंग टिप। सोल्डरिंग आयरन में रिप्लेसेबल टिप लगे होते हैं जो कि डिफरेंट शेप और साइज में आते हैं। ये टिप फाइन पॉइंट से लेकर लार्ज टिप तक के कनेक्शन करने के लिए अलग अलग साइज के आते हैं। सोल्डर वायर, सोल्डर वायर टिन और फ्लक्स का एक कॉम्बिनेशन है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बीच एक कंडक्टिव कनेक्शन बनाने में किया जाता है। ये अलग अलग टाइप और डायमीटर के आते हैं। अगला है डी सोल्डरिंग पंप, जिसे कि हम सोल्डर सकर भी कहते हैं। इसका उपयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पहले से सोल्डरिंग किया हुआ हो और उस सोल्डरिंग ज्वाइंट को हमें हटाना हो, तब डी सोल्डरिंग का उपयोग करते हैं। एंड लास्ट है सोल्डरिंग स्टैंड या होल्डर। इसका उपयोग सोल्डरिंग आयरन को सुरक्षित रूप से रखने के लिए किया जाता है जब इसका काम ना हो। ये स्टैंड के होने से अचानक सरफेस पर बर्न या कुछ डैमेज होने से आपको बचाता है। तो ये सभी थे इलेक्ट्रिकल वर्क्स में यूज होने वाले कंपोनेंट्स बट वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको इनके नाम और काम अच्छे से समझ में आ गए होंगे और कई सारे टूल्स के बारे में आपको एक अच्छी जानकारी मिल गई होगी। ये जानकारी अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिन्हें इनकी ज़रूरत है। और यदि आप मैकेनिकल टूल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू।